I want to read the scripture first. और मैं uh, Bible से पढूंगा 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. and verse 20. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें why is the resurrection important five reasons number one sin has been conquered death has been defeated jesus is alive and coming soon we can trust in him we have eternal an eternal priesthood एक अनंत सेविकाई है हमारी यू नो sin is the greatest problem और जो पाप है वो सबसे बड़ी मुश्किल है मेनी टाइम्स आई आई फाइंड पीपल अपसेट विद गॉड और बहुत बार मैं ऐसे मुझे पाता हूं कि लोग जो हैं वो परमेश्वर से दुखी हैं एंड दे से थिंग्स लाइक

बट द रियल प्रॉब्लम लेकिन असली जो मुश्किल है इट्स अस वी हैव सिंड लेकिन वो हम हैं क्योंकि हम पाप में पड़े हैं एंड द बाइबल सेस द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ और बाइबल बताती है कि जो मृत्यु का जो भुगतान है वो मृत्यु है, जो पाप का भुगतान मृत्यु है रेजरेक्शन संडे सेस और जो पुनरात पुनरुत्थान का रविवार कहता है दैट जीसस कैरीड अस सिन और यीशु ने हमारे पापों को अपने पे उठाया ही डाइड वो मरा You know, he would never have died until he took our sin.

क्रूस पे मर गया द बाइबल सेज बाइबल कहती है दैट ही हिमसेल्फ bore our sins in his body on the tree उसने हमारे पापों को ले लिया और क्रूस पे चढ़ गया और वो मर गया वहां सो दैट वी मे die to sins and live for righteousness ताकि हम पापों में मृत हो जाएं और उसमें और महिमा में और धार्मिकता में जी उठें. Now, if Jesus had not risen from the dead, और अगर यीशु ना ना जिया होता मुर्दों में से, it would seem that sin had won. और ऐसा लगता जैसे कि पाप जीत गया है.

सब यहाँ मौजूद नहीं होते अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जिलाया गया होता बट इफ यू यू टर्न द्रिप्टर राउंड अगर हम दूसरे तरीके से देखते हैं वचन को positive, और अगर हम सकारात्मक तरीके से देखते say, हैं dead, हम देखते हैं कि यीशु मसीह यकीनन मुर्दों में से जिलाया जल, गया है सो so ताकि तुम्हारा विश्वास फलमंद हो एंड यू आर नॉट इन योर सिंस और तुम अपने पापों में नहीं हो हाले लुया हाले लुयावेक्शन मीन्स जीसस हैज कॉन्ट सिंह और पुनरुत्थान का मतलब यह है कि यीशु ने पाप पे विजय पा ली है sin could not keep him down जो पाप है वो उसे दबा के ना रख पाया after he paid the price for our sins। लेकिन उसने पहले हमारे पापों के लिए कीमत चुका दी है god exonerated him and raised him from the dead और परमेश्वर ने उसको मुक्त किया और उसको मृतकों में से जिला दिया maybe some of you are here and you're thinking बोलना तो बहुत अच्छा है लेकिन मैं तो पाप में फसा हुआ हूँ और निकल भी नहीं पा रहा आई एम स्ट्रगलिंग विद सब्सटेंस एब्यूज और मैं कुछ चीजों के मैं फसा हुआ हूँ और मैं उनको लेता हूँ और मैं आगे नहीं निकल पा रहा हूँ स्ट्रगलिंग विद बैड था और मैं मेरे जो जो मेरा दिमाग है उसमें गंदे विचार आते हैं और मैं निकल नहीं पा रहा आई एम स्ट्रगलिंग विद अनकंट्रोल्ड एंगर और मैं गुस्से से मैं फंसा हुआ हूं और मैं उससे निकल नहीं पा रहा आई एम स्ट्रगलिंग विद और मैं किस दूसरों की चीजों पर नजर रखता हूं हमेशा मैं कुछ और पाना चाहता हूं और निकल नहीं पा रहा यू नो एज एज लॉन्ग वी लिव इन दिस बॉडी वी विल हैव सम डिफिकल्टी विद सिंह जब तक इस शरीर में है हम हमेशा पाप से जूझते रहेंगे आई एम सो थैंकफुल टू जीसस और मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह का लाइक पॉल्स जैसे कि जब वो कमजोर है तभी तो वो सामर्थी है पाप करने को sin याद रखे जो है उसने पे विजय And you can have the victory और आप भी वो विजय पा सकते हैं believing in it सिर्फ पे विश्वास करने से Receiving the strength for overcoming और सामर्थ ली

हम सब मृत्यु का सामना करते हैं डेथ हैज नो पावर ओवर लेकिन मृत्यु का हमारे पे कोई डंक नहीं है कोई इसका सामर्थ नहीं है इन फर्स्ट Corinthians 16 पहला 16 सॉरी फिफ्टीन पंद्रह सेम were रीडिंग जो अभी हम पढ़ रहे थे इट सेज दैट

द स्टिंग ऑफ डेथ इज सिंध लेकिन जो बाइबल हमें बताती है कि मृत्यु का डंक जो है वो पाप है And you know when I was in school and we got stung by a bee, there was a guy, one of our teachers, our Hindi teacher actually, he had a way of removing that bee sting so that the venom wouldn't get into our bodies. और जब मैं छोटा था, school में था तो मेरे school में अगर किसी को मधुमक्खी काटती थी तो मेरा Hindi के teacher जो थे उनके एक तरीका आता था कि वो कैसे डंक निकाले बिना जहर के फैले

आप मतलब आपका फर्क समझते हैं Death has the, holds no terror for the believer. और मृत्यु एक विश्वासी के जीवन में कोई डर और डंक नहीं रखता Jesus has taken the sting of death out of you. क्योंकि यीशु ने उस मौत का जो डंक है आपसे निकाल लिया है So that now to be absent from the body. इसका मतलब है जब आप शरीर से आत्मा छोड़ देते हैं Is to be present with the Lord. तो वो आत्मा परमेश्वर के पास आ जाता है Hallelujah. Hallelujah. Amen.

eternal life in our spirits. तो हम अनंत जीवन को अपनी आत्मा में स्वीकार करते हैं। You know, I'm excited about Resurrection Sunday. और मैं बहुत ही उत्साहित हूँ इस पुनरुत्थान के रविवार को लेके। For it tells me. क्योंकि ये मुझे बताता है। That Jesus conquered sin and He has overcome death. क्योंकि यीशु ने मृत्यु और पाप

who came on this earth, who lived here, who died and is rose again and he's alive today. और मसीही जो लोग विश्वास करते हैं वो इस चीज ऐसे इंसान में विश्वास करते हैं ऐसे परमेश्वर में विश्वास करते हैं जो आया दुनिया में वो जिंदा रहा वो उसने अपना जीवन जिया वो मारा गया और वो दोबारा से जिंदा हुआ मरने के बाद और वो दोबारा आएगा In the same chapter 1 Corinthians chapter 15 और पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय Paul is saying और पॉलूस कहता है वर्स थ्री तीसरी आयत में

After that, he appeared to more than 500 of the brothers at the same time, most of whom are still living, although some have fallen asleep. Verse 7 Then he appeared to James and then to all the apostles, and last of all, he appeared to me as to one abnormally born. फिर याकूब को दिखाई दिया तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया और सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों को जन्मा हूं सम ऑफ यू मे हैव सीन द नेशनल जियोग्राफिक रीसेंट एपिसोड कॉल्ड किलिंग जीसस

प्रभु यीशु मसी के पुनरुत्थान के ज्यादा तथ्य हैं इससे ज्यादा की झांसी की रानी के हो इज वेल अटेस्टेड फैक्ट

You know, so because he's alive, he's not going to die again. And he's going to return in glory. When he was ascending into heaven, his disciples were watching. And then some angels came and said, what are you looking at? And, they took, and the angels told them, men of Galilee, this is Acts chapter 1 verse 11. और जो फरिश्ते थे उन्होंने कहा कि हे गलील के व्यक्ति हो वाइट इन और तुम यहाँ क्यों खड़े हो आसमान को ताकते हुए क्या आप आजकल आसमान में देखते हैं? और यीशु ने कहा था आसमान में बहुत से चमत्कारी कार्य होंगे क्या आप वो देख रहे हैं Uh, जो जो uh, चांद है वो खून में बदल जाएगा लाल हो जाएगा और जो uh, सूरज है अपनी रोशनी खो देगा। us signs in the these days. आज कल जो परमेश्वर है हमें बहुत से चिन दिखा रहा है। वो कहते हैं स्वर्गदूत कहते हैं वही ये <laughs> जिस रीति से तुम अपने तुमने उसे स्वर्ग जाते देखा उसी रीति से फिर वो वापस आएगा स्वर्ग से हाली लुया दीजस वही वो जो आपके मृत्यु आपके पापों के लिए प्राप्त करी उसने who was buried, जो दबाया गया and who rose again. और जो, जो आसमान में चला गया इज बैक वो दोबारा आएगा द सेम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वही ये शू मसी The

और हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जैसे और ऐसे जगह रह रहे हैं जहां हमारे वचन देना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है पीपल से ऑल ऑफ थिंग दे डोंट मीन और लोग बहुत से ऐसे कार्य बोलते हैं बातें बोलते हैं जिनका वो उसको पूरा करने का उनका कोई मकसद नहीं होता एंड आई आई हैव टू वॉच माय सेल्फ बिकॉज़ एम बिकमिंग लाइक दैट और मुझे अपने आप को देखना पड़ता है अपने आप को हमेशा इस बात के लिए ध्यान रखना पड़ता है कि मैं ऐसा ना बन जाऊं सो पीपल कम एंड यू नो दे टेल मी पास्टर प्लीज रिमेंबर मी इन योर डेली प्रेयर्स लोग मेरे को आके बोलते हैं कि मुझे याद रखना रोज की प्रार्थना में एंड आई एम एक्सपेक्टेड टू से हाँ जी हाँ जी जरूर और मैं मेरे मेरे से ये तुलना मेरे से ये मांगा जाता है कि मैं हमेशा ये बोलूं हाँ मैं करूंगा ये नहीं करूंगा एक दिन और जब मैं रोज सुबह उठूंगा और सारे लोगों के नाम एक के बाद एक बोलता रहूंगा सारी प्रार्थना याद आएंगी और उनका जीवन बदल जाएगा You know, if I actually did that, and if I said, "Ah, yes, yes, uh, yeah, I'd be a liar. You know, but Jesus is not saying it like that you know, He's not saying like the disciples say, "Jesus, we love you so much, please don't leave us ever." He's not saying, no, I'll never leave you." और वो ऐसे नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा यो ही सेइंग लुक आई एम गोइंग टू डाई एंड ऑन द थर्ड डे आई विल राइज अगेन लेकिन वो तो बिल्कुल सच बात बोल रहा है खरी बात बोल रहा है देखो मैं मरूंगा और तीसरे दिन दोबारा जी उठूंगा सम ऑफ देम डिडंट लाइक इट कुछ लोगों को पसंद नहीं आया पीटर से नो लॉर्ड पतरस कहता है नहीं प्रभु नेवर कभी नहीं But Jesus, what he said, he did, and it happened. Lekin Yeshu jo ne, ne jo kaha, wo hua. I can trust such a savior.

ऐसे यीशु में जिसने मृत्यु पे विजय पाई है who has conquered death जिसने मृत्यु पे विजय पाई है who is alive जो आज जिंदा है who keeps his promises जो अपने वचन को रखता है एंड फाइनली आई वांट टू शेयर विद अस और मैं आखिर में आपके साथ बांटना चाहूंगा द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेजरेक्शन और पुनरुत्थान का की की महत्वपूर्णता इज इट गिव्स ईच एंड एवरी वन ऑफ अस एन इटर्नल प्रीस्टहुड

And what the resurrection does, it gives us an eternal, a never ending, a forever priesthood. In Hebrews chapter 7, and verse 24, the writer says, But because Jesus lives forever, he has a permanent. priesthood. और इसमें लिखा है पर वह युगानुग रहता है इस कारण उसका याजक पद अटल है। I want to encourage us. और मैं आपको साहित करना चाहता हूँ। We've been talking about being priests. और हम याजक के बारे में बात कर रहे हैं अबाउट ऑफरिंग गिफ्टीफाइस और जो द, जो दान है और जो उपहार है और जो कुर्बानी दी गई है अबाउट वर्शिपिंग और परमेश्वर की उपासना करने के बारे About में अबाउट मिनिस्टरिंग टू पीपल और परमेश्वर की सेविकाई करने के लिए लोगों एवरी बिलीवर इन जीसस क्राइस्ट हर विश्वासी जो प्रभु येशु मसीह में विश्वास करता है प्रीस्ट वो एक याजक है ना दी ओल्डमेंट प्रीस्ट और जो पुराने नियम के जो का, का जो याजकता था इट वाज फॉर अ टर्म वो कुछ समय तक के लिए थी दे कुड ओनली फंक्शन टिल अ सर्टेन एज कुछ जब उनका एक उम्र हो जाती थी तब उसके बाद वो याजक नहीं रह सकते and after थे एंड आफ्टर दैट दे हैड टू रिटायर उसके बाद उनको छोड़ना पड़ता था वो पद बट यू एंड आई लेकिन मैं और आप वी विल नेवर रिटायर एस प्रीस हम कभी भी इस याजक पद से नहीं हटेंगे Amen. Amen. We we'll always be worshiping and serving God. और हमेशा हमेशा हम प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई करेंगे और उसको उसकी आराधना करेंगे Whether you're on this earth, आप चाहे भले इस धरती पे हो वेदर यूर इन और या आप स्वर्ग में हो You are a servant of the living God. आप

और मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा कैन आई आस्क यू ऑल टू क्लोज योर आईज क्या आप आंखें बंद कर सकते हैं जस्ट फॉर अ मिनट 1 सेकंड के लिए आज के सर टुडे और आप अपने से पूछें हैज द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट क्या पुनरुत्थान का जो यीशु मसीह का हुआ था टचड योर लाइफ आपके जीवन को छुआ है उसने इज द फियर ऑफ डेथ गॉन क्या मृत्यु का डर जा चुका है Do you know that your sins are forgiven? Do you know that if you die today, you will be in the presence of God?